तो दोस्तों Realme X के बाद Realme X Pro भी बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 855 और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा Realme X Pro के बारे में। तो इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर इसके डिजाइन की बात की जाए, इसमें आपको मिलेगा कर्व 3D ग्लास पीछे की तरफ और आगे की तरफ आपको इसमें फुल डिस्प्ले मिलने वाली है। और Realme X की तरह ही आपको इसमें भी एक पॉपअप कैमरा मिलेगा। अब दोस्तों अगर मैं आपको इसकी डिस्प्ले के बारे में बता दूं, इसमें आपको मिलेगी 6.5 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले और साथ में प्रोटेक्शन के लिए मिल जाएगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। अब दोस्तों अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, इसमें आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 855 और इसके साथ ही आपको इसमें मिलेगा एंड्रीनो 640। और दोस्तों आपको इसमें रैम भी बहुत अच्छी खासी मिलेगी, इसमें आपको मिलेगी 6 GB की रैम और इंटरनल स्टोरेज की बात की जाए वो आपको मिल जाएगी इसमें 128 GB की, जिसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो 256 GB तक। अब दोस्तों मेन इसके कैमरा के बारे में मैं आपको बता दूं, पीछे की तरफ आपको इसमें ड्यूल रियर कैमरा मिलेगा। जो इसका मेन प्राइमरी कैमरा आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 48 MP का कैमरा और इसके साथ जो सेकेंडरी कैमरा होगा वो आपको मिलेगा 5 MP का कैमरा। अब दोस्तों इसके फ्रंट सेल्फी कैमरे के बारे में मैं आपको बताऊं, जो कि एक पॉपअप सेल्फी में होने वाला है, वो आपको मिलेगा 25 MP का सेल्फी कैमरा जिसका फिजिकल अपर्चर होगा f2.0। अब दोस्तों अगर इसके बैटरी के बारे में मैं आपको बताऊं, वो भी आपको बहुत अच्छी खासी बैटरी मिलेगी। इसमें आपको मिलेगी 4000 mAh की बैटरी, साथ में आपको इसमें मिलेगा वॉक चार्जर 3। और दोस्तों ये फोन आपको ड्यूल सिम में मिल जाएगा, आप दोनों सिम नैनो सिम यूज कर सकते हो और इसके अलावा एक अलग से मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हो। और दोस्तों इसके साथ ही आपको इसमें 3.5 mm का जैक भी मिल जाएगा और जो USB टाइप है वो आपको टाइप सी मिलने वाला है। अब दोस्तों अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए, वो भी आपको मिलेगा एंड्रॉयड 9 पाई। अब दोस्तों इसके लास्ट में आपको इसके प्राइसिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, ये फोन मिलेगा आपको 23,690 रुपये में, जो कि इंडिया में 12 अगस्त को लॉन्च होने जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को इस कीमत में ये फोन कैसा लगा प्लीज मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए फोन के साथ और एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने जाने वालों का ख्याल रखिएगा।